प्यारे गुरु जी का गुणगान, उनकी बड़ियाई करना, सूरज को जैसे दिया दिखाना है। ना हम कभी इसे कर सकते हैं, ना कर पाएंगे। इन शॉर्ट अगर मैं कहूं तो गुरु जी की ग्लोरी, हिज ग्लोरी इज इनएक्सप्रेसिबल, हम कर ही नहीं पाते उसे। हम जितना भी गुणगान करने की कोशिश कर ही सकते हैं, पर कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। अभी शब्द चल रहा था, अगम अगोचरा तेरा अंत न पाया, बल्कि उनके गुणगान करने का ना ही कोई आदि है और अंत तो बिल्कुल ही नहीं है। मैं मेरे और मेरे परिवार की जर्नी के बारे में अगर सोचूं तो हमें गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स मिली है कि मुझे लगता है कि मैं सबकी सभी ब्लेसिंग शायद आज के दिन में शायद कवर ही ना कर पाऊं, बल्कि हर एक दिन एक ब्लेसिंग है हमारे लिए, इस परिवार के लिए। कोशिश मेरी पूरी रहेगी जितना मैं आप लोगों की संगत के साथ शेयर कर सकूं। हमारे परिवार में मेरे अंकल हैं कर्नल अमिताभ शास्त्री, और हमारी दो बेटियां हैं जो अभी शादीशुदा अपने अपने परिवारों के साथ अभी US में सेटल्ड हैं। मेरे अंकल कर्नल शास्त्री को गुरुजी के बारे में पता चला था 1985 में थ्रू कर्नल चैटर्जी, पर फौज में होने की वजह से हम लोग ट्रांसफरेबल जॉब्स पे थे और कभी इतना ध्यान नहीं दिया था कि गुरु भी हमारा कोई होना चाहिए, तो उसे सीरियसली नहीं लिया उस समय। और फिर 1996 में भी उनको फिर किसी संगत के थ्रू पता चला था गुरुजी के बारे में। पर होना तो वही है जब गुरुजी चाहते हैं, जब उनका बुलावा आता है। और आखिर में उनका बुलावा आया एम्पायर स्टेट में, जब गुरुजी ने हमें वहां बुलाया। और फिर इसके कर्नल चैटर्जी ने ही हमें वहां गुरुजी से के बारे में बताया और फिर हम वहां पे पहुंचे थे। हुआ यूं, हमारी छोटी बेटी जो एक आईटी प्रोफेशनल है, सीमेंस में उसका जॉब लगा और वो यहाँ गुड़गांव में सेटल्ड हैं। और गुड़गांव में वो आना चाह रही थी क्योंकि पहले चेन्नई में जॉब कर रही थी, क्योंकि उसने कहा उसकी शादी होने तय होने वाली थी और साल दो साल में शादी होने वाली थी, तो उसने कहा मैं अपने पेरेंट्स के साथ थोड़ा समय बिताऊं। पहले दिन जब वो गई वहां पे अपने ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करने के लिए, तो उन्होंने कर्नल चैटर्जी को देखा, उनके बोर्ड पे शायद लिखा था सिग्नल्स लिखा था, और जैसे कि मेरे हस्बैंड भी सिग्नल्स कोर के हैं, तो आके घर पे बताया, पापा वहां पे कर्नल DS चैटर्जी हैं, तो आप जानते हो ने? तो मेरे अंकल ने कहा कि हाँ बिल्कुल। और फिर हुआ यूं कि फिर उनकी मुलाकात हुई कर्नल चैटर्जी से, और पहले दिन ही जब वो जाके उन्हें मिले तो उन्होंने गुरुजी के बारे में बताया हमें, और इन्होंने बिना किसी हेजिटेशन के एकदम तैयार हो गए कि हाँ मैं जरूर गुरुजी से मिलने जाऊंगा। घर आके इन्होंने मुझे बताया कि ऐसे गुरुजी से मिलने जाना है। मैंने ज्यादा सवाल पूछा नहीं और हम तीनों तैयार हो गए। बड़ी बेटी की शादी हो चुकी थी, वो अपने घर अपने फैमिली के साथ बिजी थी, हस्बैंड और ससुराल में बिजी थी, तो हम तीनों, मतलब मैं, मेरे अंकल और हमारी छोटी बेटी, हम गए पहली बार बड़े मंदिर एम्पायर स्टेट गए। और कर्नल चैटर्जी ने हमें कहा था कि मैं भी उस दिन आऊंगा, एवं हम सोच रहे थे कर्नल चैटर्जी हमें गुरुजी से इंट्रोड्यूस करवाएंगे, पर हुआ यूं कि कर्नल चैटर्जी उस दिन नहीं पहुंच पाए और हम तीनों वहां पहुंच गए, किसी का रास्ता ढूंढते ढूंढते पहुंच गए एम्पायर स्टेट। और वो तो हमारे लिए एक बिल्कुल नई जगह थी, बाहर जूते उतारे और जैसे हम सबको पता है ऊपर दो सीढ़ियां चढ़ के गए, फिर अंदर जाके हॉल में दो सीढ़ी उतर के गए, और जैसे हम दाएं को मुड़े और देखा हमारे प्यारे गुरुजी को पहली बार। मैं सॉरी संगत जी, बहुत इमोशनल हो जाती हूँ, इसीलिए मैं सत्संग कम ही करती हूँ। वो पहला नजारा अद्भुत था, कितने रॉयल, कितने मैग्निफिसेंट हमारे गुरुजी, क्या ऑरा था, क्या आभा थी उनकी। मैं तो एक ट्रांस में रह गई, एकदम स्तब्ध जैसे हो गई। हमें आगे हॉल में ही जगह मिली बैठने की,
वहीं तीनों हम बैठे और बस इतने प्यारे शब्द चल रहे थे, और जैसे कि आप जानते हैं वहां पे कैसे होता है, चाय प्रसाद आया और हम शब्द सुनते रहे, और फिर आखिर में फिर लंगर प्रसाद, जैसे हम चारों ने वहां पे एक साथ चार लोगों ने लंगर किया, हम सब अलग अलग लोगों के साथ बैठे हुए थे, बहुत ही प्यारा नजारा था, बहुत अच्छा लगा। हाँ ये जरूर था कि जैसे गुरु जी कहते थे कि अपने जूते बाहर उतार के आए थे आओ, मैं शायद उस दिन अपने जूते बाहर उतार के नहीं आई थी, अपने दिमाग जूतों के साथ बाहर नहीं उतार के आई थी, और वहां पे इफ्स एंड बट्स तो जरूर आए दिमाग में, मेरे मन में तो जरूर आए इफ्स एंड बट्स, पर जैसे जैसे आगे समय बीतता गया वो सारे खत्म हो गए, किंतु परंतु इफ्स बट्स सब खत्म होते गए, धीरे धीरे सब खत्म होते गए। खैर बहुत अच्छा लगा, घर वापस गए, अगले दिन फिर आए, और हम आते ही रहे, और ऐसा कोई दिन नहीं था जो हमने नहीं छोड़ा, और हमें किसी ने मना तक नहीं करा कि यहाँ पे सर्टेन डेज पे आना है। मैं अगर अपनी पहली ब्लेसिंग की बात करूँ, हमारे परिवार की पहली ब्लेसिंग, हुआ यूं कि हफ्ते दो हफ्ते के अंदर ही हमारी बड़ी बेटी को जब पता चला गुरुजी के बारे में, तो उन्होंने और उनके हमारे सन इन लॉ ने दोनों ने आना चाहा, वो भी आए हमारे साथ। दैट वाज आई थिंक विद इन द फर्स्ट टू वीक्स इटसेल्फ, तो वो भी आए हमारे साथ, और उनको वहां पे गुरुजी से हम लोगों ने सब ने मत्था टेका, जैसे हर बार हम मत्था टेकते थे। और संगत जी आप मानेंगे नहीं कि विद इन द फर्स्ट मंथ उनको उसको बेटी को शादी हुए 2.5 साल करीब हो गए थे, 2.5 साल से शायद ऊपर हो गए थे, और विद इन द फर्स्ट मंथ ऑफ हर गोइंग वी गॉट द न्यूज दैट हमारी बेटी ने कंसीव कर लिया है। हम नए थे वहां संगत में, हमें समझ नहीं था कि गुरुजी की ऐसी भी ब्लेसिंग्स होती हैं। अभी बाद में तो पता चला गुरुजी कहते थे जा मुंडा दे देता, उस वेले ऐसा कुछ गुरुजी ने हमें कहा नहीं, पर हम समझ भी नहीं पाए ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स है। तो वो जैसे कि इस सत्संग को पूरा करती हूँ मैं पहले, फिर वो फाइनली जब बच्चा पैदा हुआ वो बेटा ही था, और जब वो 40 दिन का हुआ हम सब गए गुरुजी के पास, बच्चे को लेके 40 दिन के बच्चे को लेके हम गुरुजी के पास गए, और गुरुजी के चरणों में रख दिया मैंने बच्चे को, और गुरुजी से कहा गुरुजी ये मेरा नाती है। गुरुजी कहंदे नाती तू कितों एदी नानी लगदी है, तू तो नानी लगदी नहीं है। गुरुजी ने कहा तो बहुत हंसे, फिर बहुत अच्छा लगा, ब्लेसिंग्स दी उन्होंने गुरुजी ने बच्चे को। हाँ मैं ये बताना भूल गई कि पहले दिन जब हम गुरुजी के पास पहुंचे थे और जब हम आज्ञा लेने गए गुरुजी के पास, तो मैं जब उनका उनके चरण छुए तो गुरुजी ने मुझे बुलाया और पूछा कितों आई है, जिसका गुरुजी जानी जाने सब जानते हैं पर पूछते थे सबसे कितों आई है, की ना है तेरा, की करदा है तेरा आदमी। तो मैंने गुरुजी को बताया गुरुजी आर्मी में थे, अभी प्रीमेच्योर रिटायरमेंट ले ली और जॉब करते रहे हैं बाहर, आजकल जॉब के लिए चेंज के लिए देख रहे हैं, किसी चेंज ऑफ जॉब देख रहे हैं। उनको हो गए थे आर्मी छोड़े हुए करीब 6 साल हो गए थे, उन्होंने सिग्नल्स के होने की वजह से टेलीकम्युनिकेशन में थे और काफी प्रोजेक्ट्स ले रखे थे उन्होंने पहले, और बहुत अच्छा काम चल रहा था, पर फिर उन्होंने अभी चेंज ऑफ जॉब के लिए वेट कर रहे थे अपनी। तो जैसे मैंने आगे गुरुजी को बताना चाहा उनके जॉब के बारे में, गुरुजी ने आगे से हाथ कर दिया, शायद वो मैंने मुझे कहना चाह रहे थे कुछ बताने की जरूरत नहीं, मुझे सब पता है। खैर हम घर आए उस दिन, और फिर उसके 2-3 दिन के बाद फिर उन्होंने मेरे अंकल से भी बात करी और पूछा और कहा टेलीकॉम वाले के खाली नहीं बैठ दे, ऐसा क्या, तो एक हिंट ही था कि शायद बहुत जल्दी तुम्हारा नेक्स्ट जॉब लगने वाला है, और वही हुआ, गुरुजी कुछ ही महीनों में शायद जॉब लग गया, तो इन्होंने दिल्ली जाना शुरू कर दिया। तो जॉब गुड़गांव से फिर दिल्ली जाते थे, कम्यूट करके दिल्ली जाते थे जॉब के लिए। इस बीच में ये एक और सत्संग अपनी छोटी बेटी का करना चाहती हूँ। हमारी जो छोटी बेटी थी जो सीमेंस में थी,
उसे कुछ महीनों से एक मेडिकल प्रॉब्लम थी। हम गुरुजी के पास किसी प्रॉब्लम की वजह से नहीं आए थे, ना तो हमें पता था कि गुरुजी ऐसे मेडिकल कंडीशंस भी सॉल्व करते हैं, फाइनेंशियल कंडीशंस भी सॉल्व करते हैं। हम तो बस एक अपना गुरु समझ के पहुंच गए थे, हम गुरुजी से मिलने पहुंच गए थे, पर बहुत अच्छा लगता था तो हम आते रहे वहां पे। तो उसकी एक मेडिकल प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से उसकी एक आंख का आईलिड, जो ऊपर की जो आईलिड है, वो ड्रूप कर जाती थी, नीचे लटक जाती थी एक आंख में। और वो एक यंग गर्ल अर्ली 20s में थी अपनी, और बहुत ही एम्बेरसिंग था उसके लिए। तो उसका उसकी एक वो नर्व कंडीशन थी जिसे उसको मेडिकल नेम है मायस्थीनिया ग्रेविस, उसका मायस्थीनिया ग्रेविस उसे कहा जाता है। और बहुत एम्बेरसिंग था, दवाई ले रही थी, डॉक्टर्स ने प्रिस्क्राइब करा था उसे, और हर 6-8 घंटे में उसे अपनी दवाई खानी पड़ती थी जिससे थोड़ा सा ठीक हो जाता था, और 4-5 घंटे के बाद फिर वो आईलिड ड्रूप करने लग जाता था, और उसके लिए बहुत एम्बेरसिंग होता था। तो वो अपने जेब में हर समय एक चश्मा लेके जाती थी बिना किसी नंबर के, और जब वो फिर से ड्रूप करने लगती थी, क्योंकि दवाई तो 6-8 घंटे के बाद ही खानी थी, तो वो चश्मा पहन लेती थी ताकि किसी को पता ना चले। तो उसका हर 6 महीने एक RNS टेस्ट हुआ करता था, जिसे रेपिटेटिव नर्व स्टिमुलेशन टेस्ट हुआ करता था, पर ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा था उसका। उसे सिर्फ थोड़े टेम्पररी आराम मिल रहा था, पर उस प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही थी। हुआ यूं काफी, और उसकी एंगेजमेंट फिर हो गई, उसकी शादी की बात तो पहले से ही चल रही थी। वो एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट थी, बिट्स पिलानी से पास आउट थी, उसका सीनियर था 2 साल उससे सीनियर, उससे उसकी शादी तय हुई थी, होने वाली थी, एंगेजमेंट हो गई थी। तो वो बहुत दुखी थी कि इस हालत में मैं कैसे गेटिंग मैरिड, इट वॉज वेरी एम्बेरसिंग फॉर हर। तो एक दिन जब हम पहुंचे एम्पायर स्टेट, तो उसको बिल्कुल गुरुजी के सामने उसको जगह मिली बैठने की, गुरुजी ने ऐसे सामने बैठा लिया उसको, और हम थोड़ा सा पीछे बैठे हुए थे हम दोनों वहां। तब उसने अपने मन में अरदास करी गुरुजी को, कहा गुरुजी मैं आज से कोई दवा नहीं खानी है, मैंने आज से कुछ भी नहीं खाना, मैंने सिर्फ आप पे छोड़ दिया है गुरुजी, आप जैसे चाहे आप करें, मैंने आज से दवा नहीं खानी है। और संगत जी आप मानेंगे नहीं, उस दिन से के बाद उसकी प्रॉब्लम खत्म हो गई, उसकी ड्रूपिंग आईलिड उस दिन के बाद खत्म हो गई, उसे किसी दवा की जरूरत नहीं पड़ी। और ये प्रॉब्लम उसकी करीब करीब 1 साल तक चल रही थी, और जिस दिन उसने अरदास करी गुरु जी को, बस वो प्रॉब्लम वहीं पे खत्म हो गई। गुरु जी ने अरदास सुन ली, और लख लख शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी का। मैं यहाँ पे अपने संगत को ये कहना चाहती हूँ, बहुत हम लोग गुरु जी की ब्लेसिंग्स को मिरेकल का नाम दे देते हैं, या फिर इसे कोइंसिडेंस भी कभी कभी समझ लेते हैं। गुरु जी की शरण में आने के बाद ना ही कोई कोइंसिडेंस है, ना ही मिरेकल है। गुरु जी तो हमारे ऐसे हैं कि हमारा कर्म चक्र के परिवर्तन कर देते हैं। उसे चमत्कार यानी मिरेकल समझ लेना हमारी गलती है, वो तो हमारे कर्मों को ही बदल देते हैं। इट इज नॉट बाय कोइंसिडेंस, इट इज बाय चॉइस, इट्स बाय गुरुजी's चॉइस। ये हमें समझ लेना चाहिए। मैं अपने अंकल की एक सत्संग, बहुत हमारे लिए बहुत ही अहम सत्संग है ये, तो शायद आप लोगों ने कईयों ने सुना होगा मेरे अंकल ये सत्संग करते हैं, पर हमारे लिए क्योंकि ये बहुत ही एक टर्निंग पॉइंट था, तो मैं ये फिर से दोहराना चाहूंगी इस सत्संग को। हमें लगता है क्योंकि हम पहले भी गुरुजी के बारे में सुनते थे पर आप पहुंच नहीं पाए, गुरुजी शायद तब अपनी शरण में लेते हैं जब सही समय आता है, या उन्हें लगता है कि हमें उनकी ब्लेसिंग्स की बहुत जरूरत है। जैसे मैंने कहा, मेरे अंकल दिल्ली में जॉब कर रहे थे उस समय, और ड्राइव करके जाते थे, और मैं स्कूल में आई बाय प्रोफेशन आई वाज अ टीचर, एंड लेटर ऑन आई वाज हेडिंग स्कूल्स में प्रिंसिपल थी, पहले शुरू में पढ़ाती थी। उस समय मैंने पहला, उसका भी मैं सत्संग बाद में करूंगी, आई वाज इन द पोजीशन ऑफ द हेड ऑफ एन इंस्टीट्यूशन, स्कूल में प्रिंसिपल की पोस्ट पे थी, और घर पहुंचते मुझे चार साढ़े चार बज जाते थे, और मेरे हस्बैंड मेरे अंकल उसके बाद ही घर पहुंचते थे दिल्ली से ऑफिस से। एकदम मैं घर पहुंची
और देखा कि आंटी घर पे हैं और बेड में लेते हुए, तो मैंने उनको पूछा क्या हुआ, कहते नहीं तभी ठीक नहीं थी, मैं जल्दी आ गया ऑफिस से, उन्होंने मुझे फोन करके भी नहीं बताया कि मैं घर पहुंच गया हूँ, तो तभी ठीक नहीं है। तो मैंने कहा चलो कुछ होगी, आज थोड़े ढीले लग रहे हैं, आराम कर लें। तो उन्होंने सारा दिन आराम किया और अगले दिन फिर ऑफिस जाने को तैयार हो गया। अगले दिन फिर जब मैं शाम को घर पहुंची और वो फिर घर पे वापस आ गए, 2 घंटे 3 घंटे ऑफिस में बैठ के फिर आगे वापस, फिर मुझे लगा कि वाकई कोई बात है। मैंने कहा चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, तो कहते नहीं अभी शाम को वो उठे जब तो थोड़ी थोड़ी अंधेरा हो गया था, कहते नहीं मैं कल सुबह जरूर डॉक्टर के पास जाऊंगा, तुम चिंता मत करो मैं ठीक हूँ। अगले दिन उन्होंने जिद करके मुझे स्कूल भेजा, कहते नहीं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वहां पे स्कूल में, तुम जाओ मैं डॉक्टर को दिखा दूंगा। डॉक्टर के पास गए जब वो, और तो डॉक्टर ने ECG करा, डॉक्टर ने कहा तुम्हारा ECG बिल्कुल ठीक नहीं है, तुम्हें एक कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना। इमीडिएटली फिर मेरे पास फोन पहुंचा, बेटी दामाद के पास पहुंचा, दामाद के भाई भी पहुंच गए, और सब ने मिलके फिर उनको दिल्ली एस्कॉर्ट्स ले गए। उन दिनों में गुड़गांव में उन दिनों में ये बड़े बड़े हॉस्पिटल्स नहीं हुआ करते थे, जैसे अब तो आ गए बहुत सारे, वो बहुत छोटे छोटे से थे बस। तो हम दिल्ली एस्कॉर्ट्स में ले गए, वहां पे इनका ट्रीटमेंट एनजीओ हुआ, एनजियोग्राफी हुआ, पता चला मेन आर्टरी में 100% ब्लॉकेज है और 2 और ब्लॉकेजेस है। और गुरु जी की मेहर देखिए, जहां पे 100% ब्लॉकेज था मेन आर्टरी में, उसी के पास एक सब्सिडरी आर्टरी, जो एक छोटी सी सब्सिडरी आर्टरी से ब्लड फ्लो होना शुरू हो गया था और इसी वजह से वो बचे रहे, नहीं तो कुछ भी हो सकता था। 100% मेन आर्टरी में ब्लॉकेज था, उस सब्सिडरी आर्टरी से द ब्लड वॉज फ्लोइंग और वो बचे रहे। डॉक्टर ने मुझे पूरी एंजियोग्राफी के बाद समझाया और कहा कि ये तो स्टेंट लगेगा इनका, और बहुत इसमें सबसे बड़ा स्टेंट लगेगा। फिर वो स्टेंट एंजियोप्लास्टी हुआ, और फिर जैसे कि हम सब जानते हैं गुरुजी का स्वरूप हमारे साथ हर समय रहता है, उनके तकिए के नीचे मैंने स्वरूप रखा थ्रू आउट, जितने दिन वो हॉस्पिटल में थे उनका एंजियोग्राम और एंजियोप्लास्टी के दौरान स्वरूप रखा उनके तकिए के नीचे, और फिर सब ठीक हो गया और वो ठीक होके घर आए। हमारे लिए ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी गुरुजी की, जैसे हम कभी भी गुरुजी को इस बात के लिए हम कितना जितना भी शुक्राना करें वो कम है हमारे लिए। चलिए मैं अब एक सत्संग अपना स्कूल का ही कर लेती हूँ। जैसे मैंने बताया आई वाज इन टीचिंग प्रोफेशन, और आर्मी में होने की वजह से हमारा ट्रांसफरेबल जॉब था, हर 3 साल में हम लोग ट्रांसफर हो जाते थे। तो जैसे कि आप जानते हैं तो हम लोगों के लिए टीचिंग प्रोफेशन ही में एक मेन ऑप्शन हुआ करता था, क्योंकि और कुछ तो कर नहीं पाते थे हम, एंड आई वॉज क्वालिफाइड टू बी अ टीचर। सो मैं सीनियर्स बच्चों को मैथ्स पढ़ाती थी सीनियर क्लासेस में, और कभी कभी फिजिक्स और केमिस्ट्री भी पढ़ाती थी, क्योंकि ये तीनों मेरे सब्जेक्ट्स थे कॉलेज में। तो मैं फिर जब हम दिल्ली में पोस्टेड थे तो 8-9 साल में दिल्ली के एक कॉन्वेंट में पढ़ाती थी, मैथ्स सीनियर क्लासेस को पढ़ाती थी। इस बीच जब मैं दिल्ली में पढ़ाती थी, हम दिल्ली से गुड़गांव शिफ्ट हो गए थे, और मेरे लिए गुड़गांव से रोज दिल्ली जाना थोड़ा सा अटपटा लगा कि बहुत ज्यादा स्ट्रेन पड़ रहा था। तो मैंने सोचा, हालांकि 9 साल हो गए थे मेरे स्कूल में, परमानेंट जॉब था मैंने, फिर भी हिम्मत करके मैंने सोचा नहीं अब मैं गुड़गांव में ही जॉब करूंगी। और मैंने सोचा चलो मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लेती हूँ, एक सबैटिकल जिसे कहते हैं वो ले लेती हूँ, और फिर मैं गुड़गांव में अपना अपने जॉब के लिए अप्लाई करूंगी। और उन दिनों में हम गुरुजी के पास आना शुरू कर चुके थे, गुरुजी की ब्लेसिंग देखिए यहां भी मेरे साथ रही है। कुछ महीने मैंने आराम भी किया और फिर एप्लीकेशन वो न्यूज़पेपर्स देखना शुरू कर दिया, एडवर्टिजमेंट्स, और फिर एक स्कूल में मैंने देखा कि उनको एक फिजिक्स टीचर की जरूरत थी। तो मैंने सोचा हाँ फिजिक्स तो मैं पढ़ा ही लेती हूँ, हालांकि मैं बहुत साल मैथ्स पढ़ाती रही पर फिजिक्स केमिस्ट्री भी पढ़ा लेती थी। तो मैंने वहां एप्लीकेशन डाली, मुझे बुलावा आया इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू के लिए जब मैं पहुंची वहां पे, तो उन्होंने जो भी जैसे इंटरव्यू लेना था लिया मेरा, और फिर एंड में कहते हैं मुझे आप
एक वैकेंसी यहाँ पे है, प्रिंसिपल के पोस्ट की वैकेंसी है, वी वुड लाइक टू ऑफर यू द प्रिंसिपल पोस्ट हियर। मैं तो बस हक्की बक्की रह गई। मैंने कहा, मैंने तो सोचा ही नहीं था, मैं तो हर समय अपने टीचिंग प्रोफेशन पे फोकस कर रही थी और सोचा नहीं था कि एडमिनिस्ट्रेटिव साइड में भी मुझे अपना ट्राई करना चाहिए। और देखिए गुरु जी की मेहर, वो खुद मेरी झोली में आके गिरी मेरी ये जॉब। खैर मेरे लिए तो बहुत ही एक वो अच्छा मौका था, तो मना करने का तो सवाल ही नहीं था। तो मैंने फिर वो पोजीशन ली, प्रिंसिपल पोजीशन, और वहां पे जॉब कर ली। पर हुआ यूं कि मैं आई एम कटिंग थिंग्स शॉर्ट, कि जो मुझे सैलरी टीचर के लिए ऑफर हो रही थी, उन्होंने थोड़ा सा बढ़ा के मुझे एज अ प्रिंसिपल, शायद जैसे होते हैं स्कूल प्राइवेट स्कूलों में, सोचा कि कम में शायद ये प्रिंसिपल का पोस्ट मान ले, क्योंकि इसको तो हम पहले टीचर के लिए आई थी। तो मैंने साल डेढ़ साल उसी पोजीशन में विदाउट ड्रॉइंग अ वेरी हाई सैलरी, आई मीन अच्छी थी पर जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं थी, वो मुझे मिल रही थी। एक दिन मैं गुरुजी से बहुत बातें किया करती थी। मेरे पास यहाँ बेडरूम में गुरुजी का एक कैलेंडर लगा रहता, नहा के आके गुरुजी से जो भी मन की बातें खुल के करती, कभी मजाक करना गुरुजी से, कभी बातें बहुत करती थी मैं गुरुजी से। मतलब वहां जाके एम्पायर स्टेट में तो हिम्मत नहीं पड़ती थी, पर घर पे कर लेती थी गुरुजी से खूब बातें। तो मैंने गुरुजी को ऐसे एक दिन कहा, गुरुजी मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ, मैं अपने सब कुछ दे रही हूँ स्कूल को, पर मेरी सैलरी कितनी कम है। इतना ही मैंने कहा उस दिन सुबह, और जब मैं तैयार हो रही थी स्कूल के लिए, और जैसे मैं स्कूल पहुंची और स्कूल बच्चे चले गए, एज अ प्रिंसिपल फिर हम रुकते थे बाद में, काफी काम हुआ करता था, वो सब खत्म करके घर पहुंचे। तो जैसे स्कूल खत्म हुआ, चेयरमैन स्कूल आए तो उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने कहा, मिसेस शास्त्री, दिस इज योर, जस्ट टेक दिस लेटर। उन्होंने मुझे एक लेटर दिया और जिसमें उन्होंने मुझे सैलरी उसी दिन जिस दिन मैंने गुरुजी को कहा था, और गुरुजी से मैंने कुछ मांगा नहीं, मैंने सिर्फ बात करी थी गुरुजी से, क्योंकि मुझे पता था गुरुजी कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। और मेरी सैलरी वॉज डबल्ड, एकदम डबल होके मेरी सैलरी उस दिन मुझे ऑफर हुई। कितना शुक्राना करें हमारे गुरुजी का, मतलब वो मन की बात ऐसे सुन लेते हैं, बस कुछ कहिए मत। यहाँ छोटी सी और एक छोटी सी मन की बात वाली मैं करना चाहूंगी, स्कूल से ही रिलेटेड है। मैंने स्कूल में 5 साल प्रिंसिपल की पोस्ट में जॉब करने के बाद, और भी बढ़िया स्कूल में मैंने फिर अप्लाई करके आई वॉन्टेड टू ग्रो फर्दर, तो किसी दूसरे स्कूल में गुड़गांव में ही मैंने अप्लाई करा और आई गॉट अनदर जॉब आफ्टर 5 ईयर्स। एंड वहां पे हुआ यूं कि तब तक हमारी छोटी बेटी की शादी हो गई थी और वो यूएस चली गई थी, उसकी शादी, हर सन इन लॉ वाज ऑलरेडी इन यूएस एंड शी मूव टू यूएस। तो हम यूएस गए थे, दिसंबर हॉलीडेज थे, थोड़ा सा एक्सटेंड करके मैं और मेरे अंकल मिलने गए थे अपनी बेटी और दामाद से। और वहां जाके जनवरी खत्म हो गया और मुझे जब लौटती मैं वहां से, ज्यादा लंबी छुट्टी तो मिलती नहीं है प्रिंसिपल के पोजीशन में, तो जो भी छुट्टी मिली लौटी जनवरी, वो मेरे मन में आया कि इस साल का मंदिर का हर साल कैलेंडर मुझे जरूर कोशिश करती थी कि मिल जाए। मैंने सोचा कि कैलेंडर इस साल का पता नहीं मिलेगा कि नहीं, जनवरी खत्म हो रहा है। आप मानेंगे नहीं संगत जी, मैं स्कूल फर्स्ट डे जब मैं गई और अपने ऑफिस में गई, तो मेरा स्टाफ में से एक लेडी आती है ऑफिस स्टाफ से, और आके मुझे एक रोल करा हुआ कैलेंडर पकड़ाती है और कहती, मैम दिस इज फॉर यू, समबडी केम इन योर एब्सेंस, आपके पीछे जब आप गए हुए थे किसी ने आके ये आपके लिए छोड़ दिया था। और मैंने खोल के देखा तो बड़े मंदिर का कैलेंडर था, और कौन आए वहां पे कैलेंडर देने पता नहीं। मैंने पूछा कौन आया था, तो उन्होंने कहा हमें पता नहीं कौन है, नाम नहीं बताया उन्होंने। मेरे लिए गुरुजी के बड़े मंदिर का कैलेंडर वहां कोई छोड़ गया, और कौन छोड़ सकता था। संगत जी ये आप ही सोचिए, मैं तो सोच सोच के बस यही कंक्लूजन ड्रॉ करती हूँ, और कौन हो सकता। तो ये हमारे गुरुजी, ये छोटी छोटी खुशियां किस तरह। अब इसी एक छोटी सी और बहुत मुझे याद आ रही छोटी सी और खुशी,
बड़ी बड़े तो बहुत उन्होंने दिए ब्लेसिंग्स, छोटी छोटी खुशियों का भी ध्यान करते हमारी गुरु जी। हुआ ऐसे बड़े, हम मंडेज और फ्राइडेज को जल्दी बड़े मंदिर जाते थे, मंडे डेफिनेटली हम जाते थे, और सर्दी का मौसम था दिसंबर जनवरी का, और उन दिनों वो जो अभी आजकल पीछे हॉल बना हुआ है वो हॉल बना नहीं था, तो वो शुरू नहीं हुआ था वहां का काम। और मंडे को अगर संगत जो जाती थी उनको पता होगा कि जैसे हम मंदिर को फेस करते, लेफ्ट साइड पे जो बड़ा लॉन है आजकल जहां पे फाउंटेन लग गया और झूला लगा हुआ है, वहां पे शामियाना लगा करता था, और हम पीछे दर्शन देके मंदिर में मत्था टेक के पीछे आके अपना प्रसाद लेते थे, समोसा प्रसाद या ब्रेड पकौड़ा जो भी लेके आगे, फिर हम लॉन में आते थे और सेवादार ट्रे में चाय प्रसाद लेके खड़े होते थे, और हम अपना अपना ग्लास लेके जाके या तो नीचे बैठ जाते थे या फिर कुर्सियां लगी होती थी सीनियर सिटीजन। हमने वैसे ही किया, बहुत ठंड थी उस दिन संगत जी, मैंने अपना, हम दोनों ने, मैं और मेरे अंकल ने प्रसाद लिया, चाय प्रसाद ली, और जाके लॉन के हमें जगह मिली, एंड में जाके, बिल्कुल एंड में जाके बैठने की जगह मिली। और जैसे मैंने प्रसाद खाया और चाय प्रसाद पिया, अब मानेंगे नहीं संगत जी, मैं कभी प्रसाद को कभी नहीं बोलती हूँ ना सोचती हूँ, पर उस दिन मेरे मन में आया, हाय कितनी ठंड है, चाय तो ठंडी है, ऐसे मेरे मन में आया ना, मैंने अपने अंकल से भी नहीं कहा ये बात। और संगत जी आप मानेंगे नहीं, 2 मिनट के बाद एक सेवादार जहां शुरू में चाय सर्व करती, वहां से एंड तक, लॉन के एंड तक, ट्रे में एक गरम गरम ग्लास की चाय, सिर्फ एक ग्लास था उसमें, मेरे सीधे मेरे पास आए और उन्होंने कहा आंटी ये आपके लिए। और मैं तो बस सुन के लेके हैरान रह गई कि गुरु जी मेरे, छोटी छोटी बातें, ये सारी छोटी बातें कैसे समझ लेते, कैसे सुन लेते दिल की बातें, मैंने शब्द भी नहीं निकाले थे मुंह से, मन में सोचा था ये है हमारे गुरुजी। तो ये छोटी खुशियां मुझे बांटना बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह अंकल को उनका जन्मदिन था और उस दिन फिर मंडे था, कोइंसिडेंटली हमारे पता नहीं जितने भी बर्थडेज एनिवर्सरीज आती थी वो मंडे को ही हो जाती थी, और हम मंदिर चले जाते थे और ब्लेसिंग्स लेके आ जाते थे, इतने खुश होते थे। उस दिन भी मंडे का दिन था, अंकल ने जब प्रसाद लिया, उनका फेवरेट समोसा प्रसाद, और जो सेवादार अंकल थे उन्होंने उनके उसमें प्रसाद में 2 समोसे दे दिए, तो मेरे अंकल ने कहा अरे अंकल 2 समोसे आ गए, तो कहा कोई बात नहीं ले लो ले लो। तो देखिए कैसे गुरुजी ने जन्मदिन पे डबल प्रसाद दे दिया, ये छोटी छोटी खुशियां गुरुजी कैसे देते थे हमें। अब मैं अपनी बड़ी बेटी की एक बहुत बड़ी सत्संग है मैं करना चाहूंगी। बड़ी बेटी MBA करा हुआ था उसने, एंड शी वॉज वर्किंग इन वेरी गुड हाई पोजिशन में, मार्केटिंग में याहू के साथ उस समय जॉब करती थी, और उनके हस्बैंड अपना पर्सनल, अपनी प्राइवेट कंपनी उन्होंने स्टार्ट करी थी एक, एंड शी वॉज वर्किंग विद याहू। पर हमारे सन इन लॉ को बहुत मन था कि इंडिया छोड़ के US में सेटल होना है, और मेरी बेटी शायद हेजिटेंट थी इस बात को लेके, क्योंकि उसका बहुत अच्छा पोजीशन था, जॉब बहुत बढ़िया जॉब लगा हुआ था, तो वो शायद तैयार नहीं थी उस समय। पर दोनों ने फिर फैसला किया ठीक है हम कोशिश करेंगे, उन्होंने किसी को नहीं बताया, बस अपना प्लान करते रहे। और आप मानेंगे नहीं संगत जी, कुछ ना होते हुए हमारी छोटी बेटी तो थी US में, और हमारे दामाद दोनों IT प्रोफेशनल्स हैं, और उनको बिजनेस से कुछ लेना देना नहीं, उनका कोई हमारी बड़ी बेटी जो सोच रही थी US जाने के लिए, उनका कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं था वहां कि कोई उनको सपोर्ट करे, कोई उनको गाइड करे। उन्होंने सिर्फ ये किया कि एक इमिग्रेशन लॉयर US में, एक इमिग्रेशन लॉयर, वो भी उन्होंने गूगल करके देखा किसके रिव्यूज अच्छे हैं, किसके बारे में अच्छा कहा जा रहा है, उसी के बेसिस पे एक इमिग्रेशन लॉयर को हायर कर लिया। दैट इज ऑल दे डिड। उसके बाद आप मानेंगे नहीं संगत जी, उन्होंने टूरिस्ट वीजा पे जाने का फैसला किया। सारा उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी बेची, सारा सामान बेच दिया, कुछ बांट दिया, कुछ बेच दिया,
और पूरे पैक करके बैग्स, उन्होंने कुछ बैग्स तो वो कुरियर भेज दिए थे बाय सी दे हैड सेंट, और कुछ बैग्स अपने साथ लेके, दो बच्चे, उनके छोटा बेटा भी हो चुका था, तब मैंने बोला था बड़ा बेटा तो गुरुजी के ब्लेसिंग्स, पहला बेटा, उसके बाद बड़ा बेटा शायद 8 साल का था, छोटा बेटा 1 साल का था, दोनों बच्चों के साथ। इमेजिन कीजिए संगत जी, दोनों यूएस के लिए रवाना हो गए, और वो भी एक टूरिस्ट वीजा पे, B1 B2 जो टूरिस्ट वीजा होता है, और जिसकी वैलिडिटी होती 6 महीने, यानी के 6 महीने के बाद आपको वापस आना ही आना है। वहां जाके उन्होंने अपने इमिग्रेशन लॉयर से मिले, और आप मानेंगे नहीं संगत जी, 5 महीने के अंदर उनको उनका L1 वीजा, जो वर्क वीजा है, मिल गया, जो बहुत ही अचरज की बात है कि 5 महीने में किसी को वर्क वीजा, जाके अपनी कंपनी एस्टेब्लिश करना, उसे पूरा उनके पेपर्स पुट अप करना, और क्या क्या बहुत कुछ इलैबोरेट प्रोसेस होता है, और उनको वर्क वीजा मिल गया वहां पे। और आप मानेंगे नहीं, 4 साल के अंदर उनको ग्रीन कार्ड भी मिल गया, और अब वो, हालांकि उनकी स्ट्रगल बहुत रही है वहां पे, इट वॉज नॉट ईजी, बहुत अपफिल टास्क था उनके लिए, बहुत मेहनत करनी पड़ी, काफी नुकसान भी उठाना पड़ा, फाइनेंशियल नुकसान, पर 4 साल में उनको ग्रीन कार्ड मिल गया, और आज संगत जी वो इतना वेल सेटल्ड है, बिजनेस अच्छा चल रहा है, स्टेजिंग स्टेजिंग का बिजनेस करते हैं, वो एक नया कॉन्सेप्ट होगा इंडिया में, पर वहां तो सब जानते हैं स्टेजिंग कॉन्सेप्ट, वो करते हैं वो दोनों मिलके, मेरी बेटी ने भी अपना जॉब वहां पे नहीं किया, और दोनों हस्बैंड वाइफ मिलके कंपनी चला रहे हैं। आज बहुत कुछ है, अपना स्टाफ है, अपना सब कुछ है, तो ये हमारे गुरुजी के ब्लेसिंग्स के बिना, गुरुजी की मेहर के बिना ये कभी हो ही नहीं सकता। उनका बड़ा सा वेयर हाउस है और बहुत कुछ है वहां पे, अब विद इन अ फ्यू इयर्स बहुत अच्छी तरह सेटल हो गए वहां पे। संगत जी, मैं ये जरूर कहना बताना चाहूंगी, कैसे गुरुजी हम सबको न्यू लाइफ देते हैं, नया जन्म देते हैं, इसी तरह हम दोनों के साथ ऐसा बहुत कुछ ऐसा कुछ हुआ है। 2 एक्सीडेंट्स हुए, काफी मेजर एक्सीडेंट, एक तो होते हुए बच गया, बहुत ही मेजर एक्सीडेंट होना था, और मेरा अपना एक्सीडेंट हुआ था। मैं स्कूल जा रही थी ड्राइव करके, और स्कूल पहुंचने से पहले, स्कूल के कॉलोनी के अंदर जाके स्कूल हुआ करता था, उससे पहले एक सर्विस लेन आता, सुबह का टाइम था 7:30 बजे का, और मैं ड्राइव करके जा रही थी, सर्विस लेन एकदम मुझे खाली दिखी, तो मैं ड्राइव थ्रू करके कॉलोनी गेट के अंदर एंटर कर रही थी। आप पता नहीं कहां से एक इनोवा टैक्सी फुल स्पीड में आके उसने आके मुझे मारा, और मेरी गाड़ी पूरी राउंड अबाउट टर्न करके, पूरी 360 डिग्री टर्न करके जाके एक डिवाइडर के साथ, जो साइड में डिवाइडर था सर्विस लेन में, वहां जाके इतनी जोर से लगी कि बस इतना जोर का झटका लगा उस एक्सीडेंट, गाड़ी के तो बुरा हाल हो गया था, गाड़ी का कोई भी गाड़ी को देख के कह नहीं सकता कि कोई बचा होगा वहां पे। पर आप मानेंगे नहीं गुरुजी, मुझे कुछ नहीं हुआ, थोड़ा सा शायद स्टीयरिंग, हालांकि वो एयरबैग्स खुले नहीं, पता नहीं क्यों नहीं खुले, एयरबैग्स खुल जाने चाहिए थे पर खुले नहीं उस दिन, हो सकता है जिस डायरेक्शन में टक्कर हुई थी उससे इम्पैक्ट एयरबैग्स पे नहीं आया, समझ नहीं आया क्यों नहीं खुले, थोड़ा सा स्टीयरिंग मेरे शायद चेस्ट पे शायद लगा होगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं, ना कोई खरोच ना कुछ। और स्कूल का स्टाफ वहीं से गुजर रहा था कोई, उन्होंने फटाफट उतारा मुझे, पासी हॉस्पिटल था वहां पे ले गए, और सारा मेरा चेकअप हुआ, और आई वॉज परफेक्टली फाइन। वो गाड़ी जो हमारी वर्कशॉप पे पता नहीं 6 महीने रही है, कितने 4-5-6 महीने रही है, अब इस समय मुझे याद नहीं आ रहा, बट बहुत लंबे अरसे के लिए वो गाड़ी मेरी हमारी, क्योंकि इतना बुरी, इतनी बुरी हालत में थी वो गाड़ी। तो गुरुजी की मेहर, एक नया जन्म मिला उस दिन। इसी तरह मेरे अंकल और मैं, हम राजस्थान के शहर के लिए निकले थे, काफी शहर कवर करना चाह रहे थे, और हम पहुंचे हुए थे उदयपुर, और सुबह सुबह निकले उदयपुर से हम, आफ्टर सीइंग उदयपुर हम निकल रहे थे, और मेरे अंकल ड्राइव कर रहे थे, मैं साथ में बैठी हुई थी, और एक
अपहिल सा आया जो रोड ऊपर को जा रहा था, और एक ट्रक था हमारे सामने जो पास नहीं दे रहा था, और बहुत देर तक अंकल पास मांग रहे थे ट्रक से. और एक नैरो रोड था, इट वॉज नॉट अ वेरी ब्रॉड रोड, तो ट्रक पास नहीं दे रहा था. आखिर में ट्रक ने पास वहां दिया जहां पे चढ़ाई थी. अंकल ने सोचा अब पास दे ही रहा तो मैं पास ले ही लेता हूँ. अंकल ने पास लिया, ट्रक ओवरटेक करने लगे ट्रक को. आप मानेंगे नहीं संगत जी, आगे से एक और ट्रक फुल स्पीड में आ रहा है, एंड देयर वाज नो टाइम फॉर एनी रिएक्शन. ये ओवरटेक कर रहे और आगे से ट्रक फुल स्पीड तेजी से आ रहा है, और साइड में दोनों साइड खाई टाइप थी, देयर वाज नो लेवल लैंड ऑन बोथ साइड्स. पर पता नहीं जरा सा एक्सटेंडेड लैंड मिल गया उस ट्रक को, और उसने अपना किसी तरह गुरुजी की मेहर कि हम बच गए. ये तो श्योर शॉट हैवी एक्सीडेंट होने वाला था. जरा सा लैंड मिल गया उस ट्रक ने, अपने ट्रक को जाके वहां पे उस लैंड पे खड़ा किया, और गुरुजी के मेहर से हम दोनों बच गए. बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी सर. मेरे अंकल बहुत परेशान हुए, बोला गुरुजी से, गुरुजी मैं मेरी गलती और मेरी गलती की वजह से मैं अपनी आंटी के डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होना चाहता हूँ. वो इतना दुखी हो रहे थे कि गलती उनकी, और ये इन्होंने फिर बाद में मुझे बताया, बहुत दुखी हो रहे थे. फिर अंकल के भी 3 साल पहले 2 फॉल्स, मेजर फॉल्स बाथरूम में हुए. पता नहीं क्या हुआ, ब्लैकआउट भी नहीं था, लॉस्ट हिज बैलेंस नहाते समय. एक फॉल हुआ, और उस दिन मंडे का दिन हमें बड़े मंदिर जाना था. इन्होंने मुझे बताई नहीं, और मैं तैयार हो रही थी बड़े मंदिर जाने के लिए, और इन्होंने फटाफट निकले, टाइम हो रहा था जाने का. इन्होंने मुझे बताया नहीं, और ये चेस्ट पे गिरे थे उस दिन, और एक छोटा सा डिवाइडर टाइप है बाथरूम में, वो जो पानी के फ्लो के लिए होता है, शायद वो जाके चेस्ट पे लगा था उस दिन, सीमेंटेड था. तो बड़े मंदिर जाना था, तो मैं ड्राइव कर रही थी. मैं करती हूँ जनरली, मैं कई बार ड्राइव करती हूँ, वो बैठते हैं, हम बारी बारी. तो मैं ड्राइव कर रही थी, वो इन्होंने मुझे बताया नहीं पूरे रास्ते. आधे रास्ते हम जा रहे थे, पहुंचे तो इन्होंने कहा कि मुझे तकलीफ हो रही है, सांस नहीं आ रहा है मुझे. तब इन्होंने मुझे बताया कि मैं बाथरूम में गिर गया था. तो मैंने कहा बताया क्यों नहीं, तो कहते नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, ऐसा कोई कुछ नहीं है. संगत जी मंदिर पहुंचते पहुंचते इनकी हालत इतनी खराब हुई उस दिन कि जब हमने पार्किंग में गाड़ी लगाई अपनी, तो इनसे उतर भी नहीं पा रहे थे गाड़ी से, क्योंकि सांस ही नहीं आ रही थी इनको. मैंने कहा मैं अंदर जाके अनाउंस करती हूँ किसी डॉक्टर के लिए. मैं जाती हूँ अंदर और फटाफट अनाउंस करवाती हूँ कि कोई डॉक्टर है तो आके देख लें, क्योंकि ही वाज नॉट एबल टू ब्रीथ. इनका नहीं नहीं अभी कुछ मत करो, मैं ठीक हो जाऊंगा. मैंने इनको, इन्होंने मेरा हाथ थामा, और धीरे धीरे मेरा हाथ पकड़ के पूरा पहले मत्था टेका वहां गणेश जी की मूर्ति पे, फिर हमने समाधि में फिर अंदर गए, समाधि के अंदर घूम के वहां पे हॉल में गए, वहां भी मत्था टेका. जनरली हम हॉल में थोड़ी देर बैठते हैं हर मंडे को, उस दिन मैंने कहा अभी बैठते नहीं, अभी चलते हैं. मत्था टेक के हम बाहर निकले. उस समय तो खैर हॉल बन गया था, जो अभी आजकल हॉल में हम जाते हैं जहाँ प्रसाद मिलता है, हम प्रसाद लेते ग्रहण करते हैं. वहां पहुंचे तो मेरे मन में आया, मैंने कहा ऐसे करते हैं आज प्रसाद लेके घर चलते हैं. इनका नहीं नहीं प्रसाद तो यहीं पे खाना होता है. तो बैठ गए, मुझे चिंता हो रही, इतना टाइम हो रहा ना, हमने डॉक्टर को बुलाया ना, हम घर किसी हॉस्पिटल पहुंचने की जल्दी कर रहे हैं. बहुत टेंस थी मैं ये बैठा. हम दोनों ने अपना प्रसाद पूरा ग्रहण किया, फिर ने कहा चलो अब चलते हैं. धीरे धीरे हाथ पकड़ के इनको मैं गाड़ी तक लाई, और जैसे हम वहां से निकले तब भी इनकी तबीयत ठीक नहीं थी. और हम शायद गुरुजी पब्लिक स्कूल से आगे ही निकले होंगे, तो उन्हें कहा अब मैं ठीक हूं. इनको सांस आनी शुरू हो गई. अब मानेंगे नहीं, प्रसाद, गुरुजी का प्रसाद और वो उसमें ब्लेसिंग्स ना हो, ये कैसे हो सकता है.
और वहां पहुंचते पहुंचते ही वॉज फीलिंग मच बेटर। फिर भी मैंने इनको हॉस्पिटल ले गई, रास्ते में जो हॉस्पिटल पड़ता था वहां जाके पूरा इनका ईसीजी हुआ, एक्सरे हुआ, सब कुछ, और निकला एक हेडलाइन क्रैक, रिब में हेडलाइन क्रैक निकला। ठीक है, आराम किया कुछ महीनों और ठीक हो गए। उसके बाद एक दूसरा फॉल हुआ इनके साथ विद इन द 4-5 months, 4-5 महीने में फिर बाथरूम में फॉल। पता नहीं क्यों, शायद कर्म कटवा रहे हैं गुरु जी हमारे, कर्म कटवा रहे थे बस, और कुछ नहीं है। और इनको उसके बाद ये कह रहे मैं तो ठीक हूं, बिल्कुल ठीक हूं। शाम को ये मार्केट चले गए, फोन में कुछ खराबी थी, फोन दिखाना था, मार्केट चले गए और वहां इनको ब्लैकआउट हो गया। बाहर से एक्सटर्नली ये बिल्कुल ठीक लग रहे थे, असल में हुआ क्या था, ये बैक पे गिरे थे और इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो गई थी अंदर। वहां जा और इनका बीपी हैड स्टार्टेड ड्रॉपिंग ट्रेमेंडसली। मार्केट गए, पास में ही घर के पास एक मार्केट है, वहां चले गए, कह रहे फोन दिखाना, फोन प्रॉब्लम चल रही थी किसी फोन में, फोन दिखा, फोन वहां दुकान पे जहां पे फोन दिखा रहे थे इनको ब्लैकआउट हो गया और ये बेहोश हो गए। बेहोश होके लोगों ने इनको उठा के पास की एक क्लिनिक में ले गए वहां पे, और बीपी चेक किया और वहां पे बीपी वॉज वेरी लो। डॉक्टर ने बोला बीपी बिल्कुल बहुत लो है, यू हैव टू शो योर सेल्फ टू सम गो टू हॉस्पिटल एंड चेक। घर में आके फिर से बीपी चेक किया, संगत जी इनका बीपी था 80-30। अभी फिर हमने पूरा चेकअप करवाया, इनकी इतनी इंटरनल ब्लीडिंग हुई थी कि खून जम गया था इनके बैक में, इनके लोअर पोर्शन में, सब जगह खून जम गया। फिर तो खैर हमने सारे टेस्ट करवाए, सारा कुछ, बट उस ग्रेव सिचुएशन से निकल पाए वो, जो बीपी 80-30 बीपी कुछ भी हो सकता था उस बीपी के साथ, फिर गुरुजी ने फिर बचा लिया। और बस इसी तरह गुरुजी ने हमारे कर्म भी कटवाते रहे हमें। इसीलिए मैं कहती हूँ गुरुजी की मेहर जो होती है, कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि एक बार हम गुरुजी से जुड़ जाएं तो एवरीथिंग इज गोइंग टू बी रोजी। कुछ हो ही नहीं सकता, होता बहुत कुछ है, हमें हर तरह के सामना करना पड़ता है सिचुएशंस का, पर गुरुजी ऐसे हमें उसमें से पार कर जाते हैं, इतनी स्मूथली हम निकल जाते हैं उसमें से कि हमें पता ही नहीं चलता है कि कैसे हम निकल गए उस सिचुएशन से। ये है हमारी गुरुजी की मेहर, इतनी ब्लेसिंग्स हमें मिली है, अनगिनत ब्लेसिंग्स मिली है। मैं अपनी छोटी बेटी की कुछ सत्संग करना चाहूंगी अभी। हमारी छोटी बेटी जो अभी, उसके दो बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी, और दोनों प्रेगनेंसीज She had a tough time. पहले प्रेगनेंसी में मतलब उसने प्लान ही करा बच्चा, बहुत देर बाद शादी के बाद प्लान करा बच्चा, करीब 5-6 साल के बाद, 5 साल के बाद प्लान करा अपना फर्स्ट चाइल्ड। और जब टेस्ट हुए पता चला प्लेसेंटा वॉज नॉट प्रॉपरली प्लेस्ड, इतनी डिटेल्स में मैं नहीं जा रही हूँ अभी, और फिर बच्चे का पोजिशन सही नहीं था, प्लेसेंटा सही नहीं था, कुछ ठीक नहीं था, डॉक्टर ने बेड रेस्ट बोल दिया, और गुरुजी की मेहर बेटा हुआ, सी सेक्शन से हुआ, वो था उसकी फर्स्ट प्रेगनेंसी। सेकंड टाइम 6 साल बाद, मतलब 6 साल तक उन्होंने सेकंड बच्चा प्लान नहीं किया, सेकंड बच्चा जब प्लान किया उसके फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही जब टेस्ट हुए, यूएस में ही था, दोनों बच्चे यूएस में हुए, शादी के बाद वो यूएस चली गई थी, तो वहां पे पता चला बच्चा इज द कंडीशन ऑफ द चाइल्ड वाज नॉट नॉर्मल, द फीटस वाज नॉट नॉर्मल, और डॉक्टर्स ने टर्मिनेट करने के लिए कहा था। एंड बहुत अपसेट हुई मेरी, तो गुरुजी को इतना मानते, मन में जरूर आ जाता गुरुजी क्यों मेरे साथ क्यों ऐसा, पर वही गुरुजी जानी जान सब जानते हैं, पता क्या सही है क्या नहीं है, टर्मिनेट करना पड़ा। मैं फिर आई हैड टू रश, शी वॉज वेरी अपसेट बिकॉज शी वॉज नॉट रेडी टू टर्मिनेट द प्रेगनेंसी, और डॉक्टर्स जिद कर रहे थे कि यू शुड टर्मिनेट दिस प्रेगनेंसी। फिर मुझे रश करना पड़ा, मैं गई वहां थोड़ा उसके साथ गई और जस्ट टू गिव हर सम सपोर्ट, टर्मिनेट करा प्रेगनेंसी को। और उसके बाद
सितंबर 2016 की शायद बात है, शी हैड टू टर्मिनेट हर प्रेगनेंसी। और फरवरी 2017 हमारी दोनों बेटियां घर में सत्संग करती हैं गुरु जी का, उसने सत्संग रखा था गुरु जी का फरवरी 2017 में, दो महीने बाद। और उन दिनों उसका गायनिक चेकअप के लिए डॉक्टर बुलाया, क्योंकि टर्मिनेट करा था प्रेगनेंसी, हर महीने एक चेकअप, द गायनी यूज्ड टू डू अ चेकअप। और गायनी ने कहा तुम यू आर नॉट ओव्यूलेटिंग, अभी तो तुम कंसीव कर ही नहीं पाओगी। पर घर में सत्संग रखा फरवरी में, और अप्रैल में शी कंसीव अगेन, पर जबकि डॉक्टर ने क्लियरली रिपोर्ट दे दी थी कि अभी तुम कंसीव नहीं कर पाओगी। फिर गुरु जी की मेहर एंड शी कंसीव्ड, एंड संगत जी पूरी प्रेगनेंसी वॉज नॉर्मल, शी हैड अ नॉर्मल प्रेगनेंसी एंड शी हैड अ नॉर्मल डिलीवरी ऑल्सो। पहला बच्चा तो सी सेक्शन से हुआ और दूसरा बच्चा नॉर्मल हुआ। ये हमारी ओनली ग्रैंड चाइल्ड, ग्रैंड डॉटर, बाकी तीनों हमारे ग्रैंड सन्स हैं। तो बहुत ही प्यारी बिटिया हमारी, गुरु जी की ब्लेसिंग से हमें इस परिवार में आई। मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूंगी कि हमारी छोटी बेटी, बड़ी बेटी की तो शादी हो चुकी थी जब हम गुरु जी के पास गए, छोटी बेटी की शादी में इतनी ब्लेसिंग्स गुरु जी की मिली। जब उसका रिश्ता हुआ, जब सगाई हुई, तो हमारे सनील लॉ जो है, छोटे सनील लॉ है, साउथ इंडियन है, पर शायद मेरे से भी बहुत अच्छी हिंदी बोल रहे थे क्योंकि गुजरात में पले बड़े हैं। तो सगाई के बाद दोनों मेरे अंकल उनको ले गए थे, दोनों को गुरुजी की ब्लेसिंग्स, और जाके गुरुजी को बताया, गुरुजी ये मेरी छोटी बेटी है, इनकी दोनों का रिश्ता तय हुआ। गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग्स दी उन दोनों को। और साउथ में जैसे हमारे सनील लॉ ने तो शष्टांग प्रणाम ही कर दिया, गुरुजी के सामने लेट गए जैसे साउथ में करते हैं। तो बहुत ब्लेसिंग्स मिली और शादी तय हुई, गुड़गांव में ही शादी हुई। और कार्ड्स जब छपे, हम गुरुजी के पास गए और मैंने गुरुजी को, हमने बताया कि ऐसे शादी है, कार्ड्स दिए गुरुजी को। गुरुजी ने फिर संगत में वो कार्ड्स बटे, और साउथ इंडियन शादी थी, शादी सुबह होती है, साउथ इंडियन शादियां रात में नहीं होती हैं। और सुबह जिस दिन शादी थी, उसके एक दिन पहले चूड़ा सेरेमनी और मेहंदी सेरेमनी थी, और शाम के टाइम मेरी बेटी ने, और वो उस दिन एम्पायर स्टेट खुला था, उस दिन शाम का टाइम था 8-9 बजे, हमारे टेरेस पे पार्टी चल रही थी, एक छोटी सी कॉकटेल पार्टी रखी थी, अगले दिन सुबह शादी थी और शाम को रिसेप्शन था, और हमारी संगत ने रिसेप्शन में आना था। तो आप मानेंगे नहीं, रात के 7-8 बजे होंगे, तो इसने अपने मासी को कहा, मासी आप चलो, मुझे गुरुजी से ब्लेसिंग्स लेनी है, कल मेरी शादी है। इसने चूड़ा के साथ किसी को बताया नहीं, मैं, मेरे अंकल और सब इतने बिजी थे शादी में, उसने अपने मासी को साथ में लिया, ड्राइवर के साथ गई और गुरुजी के पास जाके गुरुजी की ब्लेसिंग्स लिए उस रात, और अगले सुबह उसकी शादी थी। कहती मैं बिना गुरुजी के ब्लेसिंग्स में मैं शादी नहीं कर सकती। और शी वॉज सो रेस्टलेस, गई और ब्लेसिंग्स ली और अगले दिन सुबह शादी, और शाम को रिसेप्शन था, बहुत संगत आई शादी में, रिसेप्शन में बहुत अच्छा लगा, इतनी ब्लेसिंग्स मिली। और उसके बाद दोनों फिर गए गुरुजी के पास शादी के बाद, बेटी और दामाद, और उनकी ब्लेसिंग्स ली फिर से। तो हम तो बिना गुरुजी के चरणों को छू के, हम तो कुछ भी, हमें अच्छा ही नहीं लगता था, जरूर ही जाना था उनके शरण में जाके, तभी हमें अच्छा लगता था। संगति में एक दो छोटे छोटे अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ, क्योंकि गुरुजी बच्चों को बहुत प्यार करते थे, उनके सत्संग में छोटे ग्रैंड चिल्ड्रन के भी सत्संग बहुत मानते हैं। हमारे सभी ग्रैंड चिल्ड्रन बचपन से ही गुरुजी को जय गुरुजी और उनका मंत्र जाप करना बहुत रेगुलरली करते हैं। तो हमारे ये बताना चाहूंगी कि जब हमारी बड़ी बेटी स्टिल इंडिया में थी, उसका पहला बेटा जो गुरुजी के ब्लेसिंग से हुआ था, वो 4-5 साल का होगा, और जिस कॉम्प्लेक्स में वो रहते थे सोसाइटी में, शाम को मेड के साथ वो नीचे पार्क में जाता था झूला वगैरह, 4-5 साल का होगा उस समय।
उन दिनों मेरी बेटी किसी बात को लेके, ये बात इसने मुझे बहुत बाद में बताई, किसी बात को लेके बहुत परेशान थी वो, एंड शी वॉज वेरी, गुरु जी को बहुत याद कर रही थी, और उसके मुंह से निकला, गुरु जी आप अगर मेरे साथ हैं तो गुरु जी आज मुझे कहीं से भी फूल मिलने चाहिए, उसने ऐसे कह दिया। और मैं, दिस इज लाइक टेस्टिंग गुरु जी, जो हमें नहीं करना चाहिए, बट आप जानते हैं गुरु जी की संगत कैसे होती है, गुरु जी से कुछ भी कह देती है, कभी आ जाता है मन में तो कह देती है, बातें तो हम सब गुरु जी से करते हैं। तो उसने कहा गुरु जी आज ये सत्संग उसने मुझे बहुत बाद में सुनाया, तो आज अगर आप अगर मेरे साथ हैं, आज मुझे कहीं से फूल मिल जाना चाहिए। आप मानेंगे नहीं संगत जी, शाम को जब वो बच्चा नीचे खेल के आया, अपनी मेज के साथ ऊपर आया घर, उस हाथ में एक फूल था पहली बार, और उसने कहा मम्मा दिस इज फॉर यू, एंड ही गेव इट टू हिज मदर। मैं कहती हूँ गुरु जी हमारे कैसे बातें सुनते, वो हैरान हो गई, उसे तो एक्सपेक्ट भी नहीं करा था, वो तो शायद भूल भी गई थी दिन में कि उसने गुरु जी से ये मांग करी थी, और उसने आके वो फूल पकड़ा दिया। और सच ये हमारे गुरु जी इतनी छोटी छोटी बातों का ध्यान करते हैं। उसी बच्चे के उन्हीं दिनों में एक पिग्गी बैंक था, पिग्गी बैंक चाहता था, तो उसके थोड़े से कॉइन्स थे पिग्गी बैंक में, और उसने अपने पिग्गी बैंक की चाबी खो दी कहीं, जैसे टॉयज में खो जाते हैं, तो खो गई थी, उसे मिल नहीं रही थी, तो अपनी माँ से रो रो के जिद कर रहा है, मैंने इसमें से कॉइन निकालना है, मैंने कॉइन क्यों उसका बीच बीच में खोल के कॉइन निकालना फिर डालना वापस, तो छोटा सा बच्चा था 4-5 साल का, तो ये करता रहता था कि चाबी से खोल के निकाल के फिर वापस भर देना कॉइन्स को। तो तुम उसकी मामा जाओ अपनी चाबी ढूंढो, आपने कहीं खो दी, अगर खो यू लॉस्ट द की देन गो एंड सर्च फॉर इट। तो बच्चे ने कहा मामा नहीं मिल रही है, तो ठीक है गुरु जी से प्रे करो चाबी मिल जाएगी। तो उसने गुरु जी से प्रे किया, गुरु जी मुझे कॉइन निकालना है, और उसने अपने पिग्गी बैंक को पलटा, उसमें से कॉइन गिरा। तो ये एक छोटा सा प्यारा सा सत्संग मुझे लगा कि मैं बच्चों के बारे में भी कहूं। इसी तरह गुरु जी ने हमारे छोटे बेटी के ग्रैंडसन, जो अपने बर्थडे पे शायद 6 साल का था उस समय, 6 साल का छोटी बेटी का बेटा था, उसने यूएस में उनका बड़ा सा बैकयार्ड, बड़ा सा लॉन पीछे था घर में, उसको वो जंपी कासल चाहिए था, बड़ा सा जंपी कासल डलवाया कि मेरे फ्रेंड्स आएंगे उस पे स्लाइड करेंगे, और पता नहीं क्या क्या, और उसने लगवाया था अपने माँ बाप से बोल के जो उसकी पसंद की चीजें, और उस दिन फोकस था बारिश का। सुबह से जो बारिश हुई, इतनी बारिश, इतनी हैवी रेन, वो जंपी कासल लग चुका था वहां पे, पहले एक दिन पहले लगा दिया था, और इतनी जोर से बारिश आ रही थी सारा दिन। तो फ्रेंड्स बोले उनके कि तुम कुछ और प्लान कर लो, पीछे बैकयार्ड में तो अभी बर्थडे नहीं हो पाएगा। मेरी बेटी ने कहा नहीं, गुरुजी को मैंने प्रे करा है, मेरा कोई प्लान बी नहीं है। सबने कहा व्हाट्स योर प्लान बी, आई डोंट हैव अ प्लान बी। मैंने अपने बच्चे का जन्मदिन यही मनाना है, क्योंकि उसे जंपी कासल जिद करके लगवाया था, और यहीं पे होगा। आप मानेंगे नहीं, सुबह 11 बजे बर्थडे के सेलिब्रेशन था, 11:15 बजे बारिश बिल्कुल बंद, जबकि फोकस था फुल डे रेन का फोकस था। ये कैलिफोर्निया की बात है, तो सैन डिएगो में रहते हैं वो, और 11:15 बजे बारिश बंद हो गई, सभी आए, बहुत अच्छी पार्टी हुई, बच्चे जो 2-3 घंटे रहते 5 बजे तक खेले वहां पे, और बच्चे ने भरपूर अपना बर्थडे एंजॉय किया। गुरुजी मेड श्योर कि बर्थडे बच्चे का अच्छी तरह हो जाए, और आप मानेंगे नहीं संगत जी, 5 बजे के बाद फिर से बारिश, इतनी तेज बारिश हुई उसके बाद। जैसे गुरुजी तो हर कुछ जानी जाने, सब कुछ कर सकते हैं, मौसम को भी अपना बदल देते हैं अपने हिसाब से। तो ये छोटी छोटी मैंने सोचा सत्संग, बहुत सारे सत्संग है गुरु जी के, हमारे परिवार, मेरे मेरे अंकल के, और मैं यहाँ बताना भूल गई थी, जब अंकल को जब स्ट्रोक हुआ था, हार्ट स्ट्रोक हुआ था, और वहां पे एस्कॉर्ट्स ले गए थे, जब हम लौटे थे वहां से, तो हम गुरु जी के पास जाके फिर गुरु जी को बताया, तो गुरु जी ने कहा लोटा लेके आना, तांबे का लोटा, और फिर हम अगले दिन गए थे लोटा लेके, और गुरुजी ने फिर
लोटा ब्लेस किया, जैसे गुरुजी मुंह में पास ले जाके कुछ मंत्र बोलते, फिर लोटे में मंत्र बोला, और अब तक वो लोटे जल प्रसाद वो लेते हैं, तो बहुत ब्लेसिंग्स हैं गुरुजी की। बस एक और सेवा जो गुरुजी ने हमारे इस परिवार और मेरे आंटी को दी थी, दिव्या आभा की सेवा बख्शी है। बहुत मन से मेरे आंटी को एक बार सपना आया था, रात को गुरुजी आए सपने में और संगत बैठी हुई थी, गुरुजी बीच में खड़े हुए थे और मेरे अंकल भी बैठे हुए थे, तो उन्होंने मेरे अंकल की तरफ हाथ करके कहा ए करूंगा ए करूंगा। और फिर सुबह जब इनकी आंख खुली तो इनको समझ ही नहीं आया कि क्या गुरुजी ने कहा ए करूंगा, मतलब की करेगा। उस समय लाइट ऑफ डिविनिटी निकली थी और फिर इनको बताया गया कि पूछा गया कि क्या आप इसका हिंदी अनुवादन कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा क्यों नहीं, क्योंकि मेरे अंकल एक ऐसे परिवार से हैं जो पेरेंट्स स्कॉलर्स हैं, मदर हिंदी की स्कॉलर थी, फादर संस्कृत के स्कॉलर, तो उनको मैं उसमें प्रोबेबली जीन्स में था कुछ, और इनको शौक था हिंदी लिखने पढ़ने का, काफी शौक था, तो उन्होंने ये प्रोजेक्ट लिया। और ये बताते हैं कि थ्रू आउट जब ये ट्रांसलेशन कर रहे थे, दिव्या आभा जो बन के आई थी, तो गुरुजी इनके साथ, इनको महसूस होता था कि गुरुजी ही करवा रहे हैं सारा, क्योंकि आसान नहीं था, पहली बार ये काम कर रहे थे, पहले कभी ऐसा कोई काम नहीं करा था। थ्रू आउट गुरुजी थे साथ में इनके, जैसा इनके इनको महसूस होता था। और दिव्या आभा बन के आई, जो हम बहुत ही बड़ी सेवा मिली गुरुजी की तरफ से, सेवा मिली जो लख लख शुक्राना गुरुजी का, लख लख शुक्राना। सत्संग सत्संग तो बहुत है हमारे, छोटे बड़े खुशियां गुरुजी ने हमें जो बख्शी हैं। बस आखिर में मैं कुछ गुरुजी की कुछ ऐसे वचन याद करना चाहती हूँ जो मुझे बार बार याद आते हैं। मैं शायद एग्जैक्ट वर्ड्स ना बोल पाऊं, पर गुरुजी कहा करते थे रब द मार्ग सरल नहीं, अत्यंत पथरीला है, गुरुजी कहा करते थे, बड़ा औखा है। यानी भक्ति का मार्ग जो गुरुजी कहते थे, उनका कहने का मतलब था उसमें संगत को एक स्वस्थ मन चाहिए, स्वस्थ शरीर चाहिए और एक सुदृढ़ चित्त जिसे चाहिए, और विश्वास होना चाहिए, अपना जो पांडा है अंदर बिल्कुल साफ खाली रखना चाहिए। साफ होके जब हम गुरुजी के पास आएंगे, उसे खाली करके आएंगे, तभी हम गुरुजी की ब्लेसिंग्स उसमें समा सकती हैं। ये मुझे लगता है बहुत ही जरूरी है कि हम अपना पांडा साफ करें, अपना अंदर पूरा अपने आप को, सारा जो इफ्स बट्स और गंध है उसे निकाल फेंकें और अपने आप को साफ क्लेंजिंग कर लें, जिससे हम उसमें गुरुजी की ब्लेसिंग्स उसमें समा सके। फिर गुरुजी कहा करते थे, बहुत से उनके वचन हैं, बस मैं सिर्फ एक दो सोच रही थी आपसे शेयर करूं। गुरुजी कहा करते थे जिन्नी वारी संगत विच आओगे ते बैठोगे, उन्नी वारी तुहाडे पुठे लेख सिद्धे हो जाओ। संगत जी ये भी बहुत जरूरी है, यानी कि संगत में बैठना, सत्संग सुनना, सत्संग शेयर करना, जो मैं बहुत कम करती हूँ। आज पहली बार मैं ऐसा लंबा सत्संग कर रही हूँ, मैं सिर्फ अपने घर में जब सत्संग रखती हूँ तब सत्संग करती हूँ, या किसी छोटे से सत्संग में कर लेती हूँ, ऐसे मैंने कभी प्लेटफॉर्म पे बहुत ही कम करे हैं छोटे, पर इतना फुल सत्संग तो आज मैं पहली बार कर रही हूँ। गुरु जी ही मेरे से बुलवा रहे, मैं तो हिम्मत ही नहीं कर रही थी करने की, गुरु जी ने करवाया है। मैंने गुरु जी से पहले ही कहा था, मत्था टेक के कहकर, गुरु जी आपको ही मेरे सत्संग करवाना है और वही बुलवाइए मुझसे जो सही है। हम अपने इंटरप्रिटेशन बहुत कुछ करते हैं, हमारे साथ जो बीतता है हम बहुत इंटरप्रिटेशन उसके करते हैं। मैं गलत इंटरप्रिटेशन नहीं करना चाह रही हूँ गुरु जी, मुझसे वही बुलवाइए जो सही है। और मुझे पूरा इसमें आई थिंक गुरु जी ने पूरी मेरा साथ दिया है, ये मैं इसमें तो मुझे शक ही नहीं है। फिर गुरुजी
संगत जी हमें वो बनना चाहिए जो गुरुजी चाहते थे। गुरुजी कहते थे मंगो नहीं मनो, तो क्या मांग, हम आगे मांगना ही है गुरुजी से, मानिए। वो कहते थे मानो गुरुजी, कहते थे मंगो नहीं। अगर गुरुजी से कुछ हमें मांगना है, हम उनसे सब शेयर तो कर सकते हैं, मन की बातें शेयर कर सकते हैं, पर जब मांगना इसलिए नहीं कि गुरुजी ने तो हमें सबसे अच्छा देना और हम जो मांगेंगे वो हमारे लिए शायद सही नहीं होगा। तो उनसे मांगिए, आप ये मांगिए, विश्वास, आस्था, श्रद्धा और समर्पण मांगिए। आई थिंक इससे और बड़ी क्या बात हो सकती। और मैं गुरु ग्रंथ साहब से भी एक लाइन कोट करना चाहूंगी, जो गुरु जी को के लिए मैं कोट करना चाहूंगी। जे सौ चंद उगे सूरज चढ़े हजार, ऐसे चानन हुंदिया गुरु बिन घोर अंधार। यानी सौ चंद्रमा और हजार सूरज के प्रकाश होते हुए भी हम गुरु के चरणों के आश्रय के बिना बिल्कुल अंधेरा है, अंधेरा ही अंधेरा है। संगत जी टाइम हो गया है तो मैं यहाँ अपनी आवाज को विराम देती हूँ। आज मैं सब संगत से यही कहना चाहती हूँ कि गुरु जी की ब्लेसिंग्स एंडलेस है, हमें सिर्फ अपनी मन, अपना मन और खुला रखना चाहिए, अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए और उन्हें ग्रहण करना चाहिए। मेरे प्यारे गुरुजी का अनंतम शुक्राना और संगत जी आपका भी शुक्राना। अगर मेरे से कोई त्रुटि हुई हो गुरुजी मुझे माफ करना, अगर मैंने कुछ गलत बोला है, और संगत जी आप भी मुझे माफ कीजिए। जय गुरुजी।